इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। जैसे कि आपके आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसी तरह के इस अवेयरनेस में आज हम लोग लाए हैं SME IPO जो आप देख रहे हैं बराबर, उन पे सेबी ने जांच बैठाई है 6 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पे, जो कि छोटे SME IPOs ला रहे थे और उसमें उन्होंने फीस कुछ ज़्यादा वसूली थी। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल पार्टनरशिप कर ली थी, जहाँ पे 1% से 3% के फीस ले सकते थे, वहाँ उन्होंने उसको बढ़ा के 10 से 15% कर लिया। तो इस तरह के SME IPOs में जहाँ पे 50 करोड़ या 250 करोड़ रुपए तक का IPO आ सकता था, उसमें इन 6 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने कुछ गलती करी या लालच के उसमें इस तरह के IPOs को फंड बाजार से लेने की प्रक्रिया अपनाई, जिस पे सेबी जांच कर रहा है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि SME IPOs बहुत छोटे IPOs होते हैं, जिसमें बहुत छोटी फंड रेजिंग होती है, तो उसमें इस तरह के लालच में ना फंसे, कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स खास करके जो उनको फंड उपलब्ध करा रहे हैं या जो उनके लिए इस काम को कर रहे हैं, उन पे भी ज़रूर ध्यान रखें कि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके द्वारा जो फंड रेजिंग करी गई है SME IPOs की, उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या रेट्स हैं, पिछला क्या रेट था, आज क्या रेट है, किस रेट में वो IPO लाए थे, इस सब को ज़रूर, जिसको बोलते हैं आप, माइक्रोस्कोप से ज़रूर देखें। बिकॉज SME जो है बहुत ही स्मॉल माइक्रो और मिनी माइक्रो कैप फंड्स टाइप हैं या कंपनीज हैं, बहुत छोटे IPOs हैं, ये बहुत छोटा माइक्रो कैप मार्केट कैप होता है। इस सब को ध्यान रखते हुए SME IPO में लगाएं। पिछला भी वीडियो हम लोग ने बनाया था जिसमें एक 12 करोड़ की कंपनी ने को 4800 करोड़ आए थे, जबकि उस तरह की उसके पास कोई ऐसी वो नहीं थी कि जहाँ पे इस तरह की ग्रोथ आए। तो इन SME IPOs पे अब सेबी खास करके खुद जांच कर रहा है 6 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पे, बिकॉज सेबी की प्रीव्यू में पूरे नहीं आते क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। NSE BSE में एक खास उनके लिए सेक्शन रखा गया है SME IPO का, जिसमें वहाँ पे वो लिस्ट होते हैं और वो अलग से चलते हैं। तो वो छोटा सा एक सेक्शन है जहाँ पे आपके लिए 1,25,000 की मिनिमम लॉट रखी गई है, तो वो भी एक थोड़ा सा रिस्क बन जाता है। तो SME IPOs रिस्की IPOs हैं, छोटी कंपनियां हैं, उसको ध्यान रखते हुए अपने एडवाइज़र से, अपने ब्रोकर से बात करने के बाद ही, समझ के, बैलेंस शीट को देख के, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, आगे की फॉरवर्ड लुकिंग, उनकी ग्रोथ को देखते हुए ही पैसे लगाएं। सारे SME IPOs में ना लगाएं, इस समय बाहर ज़रूर आई हुई है, लेकिन सारे IPOs आपको पैसे नहीं बना के देंगे। कहीं पे आप फंस जाएंगे तो हो सकता है 2-4 साल तक पैसा आपका वापस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही इसी SME IPO पे हम लोग फिर अपना नया अपडेट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.